नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 6th इशू। तो यार, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लास्ट में एडी का कॉन्शियसनेस टाइम में कहीं आगे चला गया था, जहां पर एडी को मेरिडस मिलता है। लेकिन एडी नहीं जानता है कि ये सब कुछ करने वाला मेरिडस है। तो वही दूसरी ओर लाइफ फाउंडेशन डिलन ब्रॉक को पकड़ लेते हैं और उस पर प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वेनम आता है और डिलन से जुड़ जाता है, जिसके कारण वेनम भी इवॉल्व होने लगा था। तो अब आगे, ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वेनम और स्लीपर को देखते हैं, जो मिलके उस लाइफ फाउंडेशन को फोड़ने में लगे थे। तभी हमें लिज एलन की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि 6 दिनों पहले मैंने तवाई का असली चेहरा देखा। उसी दिन मैंने एक लड़के को पीड़ा दी ताकि मुझे मेरे सवालों के उत्तर मिल सके। लेकिन मैं ये देखकर स्वयं से सवाल करने लगी हूँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ और मैं कब तक ये करूंगी। लेकिन फिर मैंने इस क्रिएचर को देखा, जिससे मैं पहले मिल चुकी हूँ, और तब मुझे पता चला कि मैं जो कुछ भी जानती हूँ और जो कुछ भी मुझे बताया गया है वो सच है। ये क्रिएचर्स विकसित हो रहे हैं और ये लड़का डिलन ब्रॉक का इन सब से लेना देना है। मैं चाहती थी कि मैंने जो सुना है वो सच ना हो, पर ये सब कुछ देखकर मुझे अब सच पता चल चुका है। इसलिए मैं अब लोगों से वही कहने वाली हूँ जो मैं सुनना चाहती हूँ। ये कहते हैं लिज एलन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और उस प्रेस में कहती है कि हम क्लार्कफील्ड में सिम्बियोट को समझना चाहते हैं, लेकिन इन सिम्बियोट्स ने हम पर ही हमला कर दिया, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये सिम्बियोट्स किसी के दोस्त नहीं है, और इसलिए हमें आज से इन्हें बहुत बड़ा खतरा मानना होगा। और इसलिए मैं अपने अल्केमिक्स के सारे रिसोर्सेज सेनेटर क्रेन के सिम्बियोट टास्क फोर्स के लिए उपलब्ध करने वाली हूँ। तभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर क्रेन आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता है कि आप सब लोग जानते होंगे कि कितनी बड़ी समस्या है। इन सिम्बियोट्स के कारण ही मेरे पिता की हत्या हुई, और इसलिए मैं इन्हें जड़ से मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए मैंने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेसल कमेटी में सिम्बियोट्स को लेकर बात की थी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए मिलिट्री और प्राइवेट सपोर्ट मिलने वाला है। या सेनेटर क्रेन की ये बातें ड्रेवन सुन रहा था, और तब वो मिस्टर कार्सन से कहता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है। तभी ड्रेवन कार्सन से कहता है कि मेरे लिए एक टीम लाओ जो इस काम के लिए परफेक्ट हो, और तब तक हमारा दोस्त वेनम को देख लेगा। यासीन शिफ्ट होती है और हम जेक नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में आता है और देखता है कि वहाँ पर डिलन और स्लीपर सोए हुए थे। तभी जेक अंदर आता है और कहता है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना ये फ्रीबीस आज तुम्हें सड़क पर ही उड़ा देते। तो अब अपना सामान बाजू रख दो और नीचे आ जाओ, क्योंकि नीचे काम बहुत है, और इस कैट को दूर रखना, क्योंकि आज जो यहाँ आने वाले हैं उन्हें पालतू जानवर पसंद नहीं है। ये कहते हैं जेक नीचे चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं और अब डिलन को देखते हैं, जो अब उस बार में काम करने लगा था। तभी डिलन जेक से कहता है, मैं यहाँ कम टाइम से हूँ, पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, तो फिर आज ये शोर कैसा है। जिस पर जेक डिलन से कहता है, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है, ये मेरा पुराना क्रू है द रेनेगेड्स, और हम ये बार चलाया करते थे हेलहाउंड्स के कब्जा करने से पहले। मैंने इन लोगों को जानबूझ के यहाँ पर बुलाया है क्योंकि टाउन में खबर फैली है कि किसी ने हेलहाउंड्स के बंदों पर हमला किया था, और मुझे डर है कि इसके बाद ये लोग यहाँ आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी करके रखी है। यहाँ सारी बातें सुनकर डिलन हंसने लगता है, और तब हम देखते हैं कि उन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वेनम था। यहाँ जेक डिलन से कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया, क्योंकि तुमने ये जैकेट पहना हुआ था। जब मैंने ये खेल शुरू किया था तब मैं 7 सेंट्स नाम की क्रू चलाता था, हमारा काम गैरकानूनी था और हमें उसमें आनंद आता था। उसके बाद मैंने इस रेनेगेड्स की स्थापना की, और ऐसे ही कुछ टाइम चला गया। यासीन शिफ्ट होती है और हम हेलहाउंड्स को देखते हैं, जिन्होंने अपने एक आदमी को पकड़कर लाया था क्योंकि उसने हमलावर को देखा है। तभी वो आदमी इस हेलहाउंड के गैंग से कहता है, वो एक राक्षस था जिसके दांत थे, ये वही एलियन है जिसके बारे में टीवी पर बताया जा रहा है। ये सुनते ही हेलहाउंड का लीडर अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है कि ये उन सिम्बियोट्स की बात कर रहा है, इसे यहाँ से ले जाओ। ये कहते हुए गार्ड्स उस आदमी को बाहर ले जाते हैं। तभी इस हेलहाउंड का लीडर सबसे कहता है कि अगर किसी ने मुझे फिर से एलियन या घोस्ट की स्टोरी बताई तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये जिस किसी ने किया है वो बहुत ही होशियार है,
और उसने हमारे नाक के नीचे रहकर ही ये सब कुछ किया है और हमें इसके बारे में जरा से भी भनकने लगी। यह कहते हैं वो आदमी अपने सारे लोगों को लेकर निकल पड़ता है उस हमलावर को ढूंढने के लिए और इस चक्कर में बहुत से लोग मारे जाते हैं। तभी हमें उस आदमी का राइट हैंड दिखाई देता है जो उससे पूछता है कि जेक का क्या करे। सुना है उसने रेनेगेड्स को बुलाया है, लगता है वो कुछ तैयारी कर रहा है। जिस पर वो लीडर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए खतरा है, लेकिन फिर भी वो हमसे नहीं बच पाएगा। यासिन छिपती है और हम डिलन को देखते हैं जो टेरेस पर स्लीपर के साथ था। तभी वेनम बाहर आता है और डिलन से कहता है कि यहाँ हम बहुत टाइम से हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी नहीं है, और वैसे भी हमारे पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। जिस पर डिलन वेनम से कहता है कि पिछली बार जब मैं अपने डैड से मिला था तब उन्होंने कहा था कि वो जीवित है और मुझसे मिलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा था भरोसा करने के लिए जो मैंने रखा, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एडी की तरह नहीं हूँ। तो अगर हम ये करने वाले हैं तो ये सब कुछ मेरे अनुसार होगा। पिताजी उस डार्कनेस से घृणा करते हैं जो वेनम से आई है और इसलिए वो मुझे अलग करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बॉन्ड ना हूँ, पर अब देखो हम अब वेनम है। तभी वेनम डिलन से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम हीरो बनना चाहते हो और तुम्हारे भी वही रूल्स होंगे, जैसे कि किसी को मारना नहीं और ना ही किसी को खाने का। लेकिन जब से मैं तुमसे जुड़ा हूँ तब से मेरे अंदर कुछ बदलाव हो गए हैं। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें सब कुछ बताकर कोई फायदा नहीं होगा। तुम इसे इग्नोर कर दोगे और अपने पिता की तरह अकेले ही रहना चाहोगे। लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैं खुद वॉर हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बैटल मेरे पीछे आती है, और ये बात तुम्हारे पिता अच्छे से जानते हैं। तभी डिलन कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ। लेकिन तभी स्लीपर डिलन को रोकता है और कुछ दिखाता है। तभी डिलन वेनम और स्लीपर देखते हैं कि पास में कहीं पर आग लगी हुई थी। ये देखकर डिलन वेनम से कहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर हमारी जरूरत है। जिस पर वेनम डिलन से कहता है तुम्हें वाकई ऐसा लगता है। जिस पर डिलन वेनम से कहता है कि स्लीपर और मैं नीचे जा रहे हैं। ये कहते हैं वेनम डिलन से जुड़ जाता है। यहाँ जेक का एक आदमी जेक से कहता है कि हेलाउंड सबको जलाने में लगे हैं, हमें तुरंत जाना होगा। लेकिन जेक सबको बाहर जाने से मना करता है। इधर बाहर उन हेलाउंड्स को रोकने के लिए वेनम आता है और वो उन सबको मारने लगता है। यासिन शिफ्ट होती है और हम एक और बार देखते हैं जहाँ पर वेनम के कारनामे दिखाए जा रहे थे। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो ये न्यूज देख रहा था, और तब वो कहता है कि अब बेडलैम का समय आ चुका है। ये कहते हम देखते हैं कि वो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि बेडलैम है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।